बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ के इंग्लिश का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज लेकर आए हैं, ठीक है ना। जिसमें हम एक्सरसाइज में यहाँ पर टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, यहाँ पर ग्रामर, और इसकी जो ग्रामर है, ठीक है ना, तो वो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर थर्ड का, यहाँ से टिक द करेक्ट आंसर से। टू ऑथर नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉडर्न लाइफ। देखिए ये टिक राइट का निशान भी लगा हुआ है। तो टू ऑथर नॉइज इज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है ना। फिर सेकंड वाला है इसका, हैगा द नॉचिएस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ आर। द नॉचिएस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ आर क्या है, तो चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। क्या है, चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। तो इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड वाला, द ऑथर ड्रेड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू अ मैन ऑनिंग आ। तो मोटरसाइकिल आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर राइट का निशान भी लगा है। वंस द ऑथर अबेंडेंट अ वेरी कंफर्टेबल हाउस बिकॉज ऑफ हिज नाइवर्स रेडियो। तो यहाँ पर आंसर आएगा रेडियो। द मोस्ट वल्नरेबल पोर्शन ऑफ अ ह्यूमन बींग आर, तो हिज ईयर, ठीक है ना, ईयर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है कि दीज आर नंबर ऑफ इशू विज इफेक्ट आवर लाइफ। तो फर्स्ट वाले में आएगा इफेक्ट, सेकंड वाले में आएगा आपका नोइज इज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। फिर थर्ड वाले में आएगा आई नोटिस टू हॉकर्स कमिंग कमिंग इन द सेम कमोडिटी, ठीक है ना। आई विजिटेड अ गोल्ड माइन सेम ईयर एगो सम ईयर हैगो बट नथिंग अकर्ड अलोंग दोज हैप्पी लाइन्स। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये डी वाला दिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ऑन लैंग्वेज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं तो आपको फिल करनी है, ठीक है ना, ये आपको ही करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है ना। वी कैन कॉल दिस एज अ नॉइज यस इन ह्यूमन हिस्ट्री बिकॉज, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री बिकॉज से आपको बुक में मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से फिर ये कुछ लाइनें आप लिख दीजिएगा, ऐसे ही ऑल द टाइम स्कूल टीचर हैज टू ऑर्डर साइलेंस साइलेंट बट, तो हमने पढ़ा था ना, टाइप से आप इसको बुक में से देखकर फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामर आ जाती है हमारी। ग्रामर में क्या है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द टेस्ट दैट मीन्स अपोजिट ऑफ। तो ये जो वर्ड दिए हैं इनके अपोजिट लिखना है। मोरोस, मोरोस का अपोजिट होगा हैप्पी, क्योंकि मोरोस का होता है दुख, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पी। फिर सेकेंड वाला है बून, तो बून का हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। अनफेवरेबल का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। लाउडेस्ट का क्वाइट हो जाएगा। हर्स स्पोकन का सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा। फ्रंट का वैप हो जाएगा। पीस का वार हो जाएगा। अनकंफर्टेबल का कंफर्टेबल हो जाएगा। माइल्ड का हार्स हो जाएगा। लॉक्ड का ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, आपके अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है ना, सम वर्ड अलोंग विद देयर मीनिंग आर गिवन बिलो मैच देम। इनको मैच करना है। तो यहाँ पर एडवर्टाइज का कहाँ पर रहेगा, तो ये देखिए फर्स्ट है, इस पर आंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। अप्रोमोटेड पब्लिकली टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में लगा है। सेकंड वाला है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट है आर्टिकल ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। आ न्यू मटेरियल और प्रोड्यूस आ अपोज टू अ सर्विस, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का है फैक्ट और मैनर ऑफ बीइंग इज एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट है साइनाइड, साइनाइड का कहाँ पे है, तो फोर्थ हैगा, फोर्थ है हाईली पॉइजनस सब्सटेंस। फिर जॉन हैगा, तो जॉन का आपका कहाँ पे आएगा, एरिया हैविंग पर्टिकुलर फीचर्स, ये वाला हो जाएगा। कमोडिटी, कमोडिटी का इक्विपमेंट यूज टू, इस टाइप से ये यहाँ पर भरे भी हुए हैं, तो आप भर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, तो यहाँ पर भरे हुए हैं, आप देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भरे हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव राइजन, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। राइज का क्या हो जाएगा, राइजन हो जाएगा, यहाँ पर गेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भरे हुए हैं, फिल कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी पर। द फॉलोइंग कंजेक्शन हैव बीन रॉन्गली यूज्ड, यहाँ पर कुछ कंजेक्शन यूज़ किए गए हैं लेकिन यूज़ किए गए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उनको करेक्ट कंजेक्शन भरना है। यहाँ पर ये कंजेक्शन भी दी गई, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर भरे हुए हैं कि ममता फेल्ट क्वाइट कंफर्टेबल, यहाँ पर देयर फोर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, थो आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट वाला भी मैंने आपको भरा है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में भी क्या भरा है कि सी हैड अ फेवर हाउ एवर आएगा, दैट इज़ व्हाई सी अटेंड कॉलेज, ठीक है ना। तो ये देयर फोर भी भरा है, यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा और यहाँ पर आएगा दैट इज़ व्हाई, ठीक है ना। यहाँ पर फिर बोल रहा है ई वाला कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ कान कैन और कांट और कुडंट।
ठीक है ना। तो पहले में क्या आएगी, कांट यू स्टॉप टॉकिंग फॉर जस्ट अ मिनट। फिर दूसरे में आपका आ जाएगा कैन यू हियर आई कैन, कैन आएगा। फिर व्हाट कांट हियर हर, ठीक है ना। सी स्टिल सी कैन, कैन आएगा इसमें। थर्ड वाले में कैन आएगा, आई वेंट टू द मार्केट द आफ्टरनून, आई कुडंट आएगा फिर इस यहाँ पर, ठीक है ना। फोर्थ वाले में कुडंट आएगा और फिफ्थ वाले में भी कुडंट आएगा। तो इस टाइप से ये फन टाइम हैगा, ये थोड़ी सी आपको करने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। फन टाइम में कुछ नहीं करना, आपको करना है कि देयर इज़ अ पावर कट सडनली हो जाती है, फैन अदर इलेक्ट्रिकल वर्किंग, डू यू फील, तो आप किस टाइप से फील करते हैं, हैव यू एवर फील दैट साइलेंस या इन्जॉयबल, तो किस टाइप से आप इन्जॉयबल करते हैं, साइलेंस फील करते हैं, किस टाइप से क्या करते हैं, तो आपने ऑन वर्ड में लिखना है। इसी के साथ ही जो क्या हो जाता है हमारा जो एक्सरसाइज थी क्लास थर्ड की, सॉरी क्लास सेवेंथ के इंग्लिश का चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज थी, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी भी वीडियो भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।